नारद जी का वचन सदैव सत्य है और पवित्र है। यहां दर्शन करिए। आजकल नारद जी किसको कहा जाता है? कहिए, आजकल नारद किसको कहते हैं? जो यहां की वहां करे वो नारद जी हैं। नारद जी का स्वरूप यहां दर्शन करिए। नारद वचन सदा सुची। नारद जी कभी असत्य नहीं बोलते, नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते, नारद जी पवित्र बात बोलते हैं। नारद वचन सदा सुची साचा। ये हमारे हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य है। हिंदी साहित्य में नारद जी और विभीषण जी महाराज का ऐसा रूप परोसा गया है ना, हो घर का भेदी लंका ढाहे का विभीषण जी बताए तब भगवान रावण को मारे। विभीषण न बताते तो राम जी न मार पाते, यही हुआ ना अर्थ इसका है। कहां जी रहे माई बाप आपा। विभीषण जी महाराज को भगवान ने संत कहा, सज्जन कहा। क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान बाद में दीजिएगा, कौन कह रहा है इस पर पहले ध्यान दीजिएगा। राम जी सर्टिफिकेट बनाए हैं विभीषण जी का, संत का और सज्जन का। राम जी किसी को संत कह दे और वो घर का भेदी हो जाएगा। आप सोचिएगा इस विषय पर। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम विभीषण जी और नारद जी को इस दृष्टि से देखते हैं। नारद जी कभी असत्य नहीं बोलते, नारद जी कभी चुगली नहीं लगाते। यहां पार्वती जी कहती है नारद वचन सदा सुची साचा। सीता जी सो बरु मिली जाहि मन राचा। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, मनु जाहि राचेउ मिली सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। एही भांति गौरी अशेष सुनिसिय सहि तहि हरषि अलि तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुझे तवन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुझे तवन मंदिर चले। हाँ मुझे तवन मंदिर चले। हाँ क्या कहा? मनु जाहि राचेउ, मन में जो रचा है मिली ही सो पर, वही वर आपको मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवले। जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। है कौन? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। करुणा के भंडार हैं, सुजान सज्जन हैं, शीलवान हैं और सीता जी आपके प्रेम को जानते हैं। मेरी मां सुनी सखियों के साथ गदगद हो गई। बारंबार पूजन करके पार्वती जी की मुदित मन मंदिर चली। प्रसन्न मन से सीता जी घर गईं। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेके गुरुदेव के पास आए। पूजन भया और दर्शन करिए। राम जी ने गुरु जी से सब बताया। राम कहा सब कौशिक पाही। क्या कहा? सीता जी मिली थी गुरुदेव जनक जी की बेटी, बाग में हमको देख रही थी वो। जैसे गुरु जी से राम जी ने कहा, गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन में बोले, राम यदि वहां पार्वती जी ने दे दिया आशीर्वाद तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।
सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे भोजन मुनि बर विज्ञानी लगे कहन लछु कथा पुरानी विगत दिवस गुर आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया आपकी मनोकामना पूर्ण हो। दोपहर में भोजन विश्राम, संध्या बयारू आरती, रात्रि भोजन विश्राम, अगला दिन हुआ। आज धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर राम लक्ष्मण जी को धनुष यज्ञशाली में बुलवाया है। भगवान के आने के पहले पूरी मिथिला आकर धनुष यज्ञशाली में बैठी और भगवान जब पहुंचे तो राम जी सबको अलग अलग दिखने लगे। देखिए, एक ही व्यक्ति को कई लोग कई भाव से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये भवन है ना, तो यहां कार्यालय भी होगा, कार्यालय में कोई कैशियर भी बैठे होंगे। उदाहरण दे रहा हूं केवल। पहले कोई कैशियर यदि घपला करने में पकड़ा जाए, निकाला जाए, उसके जगह दूसरा कोई कैशियर आए तो पहले वाला सोचेगा ये भी उड़ाता होगा। आदमी जैसा होता है वैसा सामने वाले के विषय में आकलन करता है। राम जी एक हैं लेकिन राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। जो राजा अपने को वीर मानते थे उनको राम जी परम वीर दिखने लगे। जो असुर कपट का नकली रूप धारण करके आए थे उनको राम जी काल दिखाई देने लगे। उनका ज्ञानी राजाओं को रघुनाथ जी परम तत्व दिखने लगे। भक्तों को भगवान दिखने लगे। मिथिला के नर नारियों को अपने सगे संबंधी दिखने लगे। जनक जी और सुनैना जी को संतान दिखने लगे। वो स्वामी जी बोले, एक बात कहूं, जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन प्राप्त किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे धनुष यज्ञशाले का दर्शन कराया। विश्वामित्र जी जहां जाएं एक ही बात बोले, दिव्य रचना, दिव्य। कोई भी आदमी आपको अपन घर द्वार दिखाए प्रशंसा करिए। क्यों? उसके कान प्रशंसा सुनने के लिए ही दिखा रहे हैं। कई लोग नया नया कपड़ा पहनते हैं ना, तो जो मिलता है कैसा लग रहा है, कैसा लगता हो? क्यों? उसके कान सुनना चाहते, बहुत सुंदर। और जहां आपने कहा एकदम गंदा लग रहा है, आपसे बात नहीं करेगा दो घंटा वो। यहां विश्वामित्र जी को जनक जी रचना दिखाने लगे। विश्वामित्र जी कहीं सूत्र पकड़े, दिव्य दिव्य दिव्य, अद्भुत अद्भुत महाराज अद्भुत। लेकिन ये भी सोचना है अद्भुत कहां कहां बोलना है, नहीं कहीं भी अद्भुत बोल दे। आ किसी कोई सामान टूट गया, अद्भुत महाराज कितना सुंदर टूटा है बताइए। इतनी प्रशंसा किए विश्वामित्र जी, जनक जी महाराज गदगद हो गए। बोले, बाबा जी को सबसे ऊपर वाला कुर्सी दिया जाए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहां बैठाए। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे और अगल बगल छोटे छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठ गए। जनक जी ने सीता मैया को बुलवाया है, सखियों को बोलकर मेरी माँ जयमाल लेकर आई। जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए मेरी माँ के रूप को देखकर। जनक जी ने अपने बंदी जनों को आदेश दिया कि सभा के मध्य में खड़े होकर और सभी राजाओं को मेरा प्रण सुनाया जाए। मेरा क्या प्रण है आज? बंदीजन बीच सभा में खड़े होकर अपने हाथों को ऊपर उठा लिए। बोले, बंदी बचन बर
सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहहि हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा, हे दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, हम अपने महाराज के प्रण को सुनाने जा रहे, ध्यान से सुनिएगा। आप सबके भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। ऐ जब बंदी जनों ने कहा आपके भुजाओं के बल चंद्रमा के समान है, राजा प्रसन्न हो गए। बंदी बोले, प्रसन्न मत होइए, यदि आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है तो शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये, जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, आज शिव का पिनाक आप सबके भुजाओं के बल को ग्रसित करने वाला है। ध्यान से देखिए, सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये वही भगवान शिव का पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में आज किसी से बची नहीं। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, दूर से देख के चले गए। ध्यान से सुनिएगा, आज इस राज समाज में आप में से जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर और इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उसकी कीर्ति फैलेगी और हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जान व्याकुल हके उठे, धोती ठीक किए कहीं खुली ना जाए, मुकुट सम किए, जाने के पहले थोड़ा व्यायाम किए, अचले इष्ट देवन सिर नाई, जाने से पहले अपने मन में अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। क्यों प्रणाम करके मन में बोले, प्रभु जा रहा हूं मैं, कृपा करिए टूट जाए हमसे। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। एक राजा जब अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो सब मन में अपने अपने भगवान से प्रभु बचाना, इससे ना टूटने पाए। कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां हजारों राजाओं की प्रार्थना। राजा तमकी ताकी, चारों तरफ देखिए, राजा शिव धनु धराई, उठाई न कोटि भांति बल करई। राजा जाकर करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर घसीटकर, धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसकता। राजा धनुष छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला, मैं तोड़ूंगा। जो राजा पहले जा रहे थे, मन में सोचे, हाँ जाओ जाओ जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। वो स्वामी जी कहते हैं, ऐसा लगता है मानो राजाओं के भुजाओं के बल को पी पी कर धनुष और भारी गरुता संपन्न होने लगा। एक राजा से कहा कि गया कि आप चलिए। राजा खड़े भय, धनुष को देखे, प्रणाम करके बैठ गए। बगल वाले राजा ने कहा, आप तोड़ने नहीं गए, वीर नहीं है क्या आप? बोले, मैं परम वीर हूं। कैसे वीर हैं आप, तो तोड़ने गए नहीं। राजा बोले, मैं तोड़ने नहीं आया हूं, सीता जी का जन्म भूमि से हुआ है, वो भूमि जा हैं, हम राजा हैं, भूपति हैं, हम भूपति हैं, सीता भूमि जा हैं, इस नाते सीता जी हमारी बेटी हो गई, हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम धनुष तोड़ने नहीं जाएंगे। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका, तो राजाओं ने आपस में मंत्रणा की कि मिलके तोड़ दिया जाए। एक राजा ने कहा कि मिलके तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा, एक ने कहा पहले समस्या समाप्त हो फिर बाद में देखा जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, एक साथ 10,000 राजा, भूप सहस दस एक पारा, भूप सहस दस एक पारा, लगे उठावन तरई नता, लगे उठावन करई न
दस हजार राजा लगे लेकिन धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी नहीं खिसका। सभी राजा धनुष के हाथ अपनी कीर्ति गवाकर वीरता गवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे करके बैठ गए। जनक जी महाराज ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाए। गोस्वामी जी कहते हैं जनक जी को आवेश आ गया, खड़े भय। जितने राजा थे राजाओं पर डपटते हुए जनक जी ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, मैंने आप में से किसी को यहां बुलाया नहीं है, आप समस्त राजा मेरे प्रण को सुन सुन कर आए हैं। कौन नहीं आया? देवता आए हैं, मुनि आए हैं, दैत्य आए हैं, पाताल से नाग आए हैं। आप सब कह रहे थे अभी तोड़ देंगे, अभी तोड़ देंगे। अरे तोड़ना तो दूर है, आप में से एक भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है स्थान से। मेरी बेटी सुंदर है, दर्शन करिए, यह कीर्ति वरण करने योग्य है ब्रह्मांड में। परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा ने पूरी धरती पर क्या अखिल ब्रह्मांड में ऐसा किसी को बनाया ही नहीं है जो इस कीर्ति को वरण कर सके जीवन में। आज के बाद ध्यान से सुनिएगा, आप में से कोई भी अपने आप को वीर नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? तजहु वास निज निज गृह जाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा। आज मैं यदि प्रण छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होती है। प्रण पे टिका रहता हूं, मेरी बेटी कुमारी रह जाती है। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा। मैं जनक कहता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। पहली बार जनक जी ने जब कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी को आवेश आया, लेकिन पूरा आवेश पी करके बैठ गए। भैया हैं, कुछ उत्तर देंगे। परंतु दूसरी बार जब जनक जी ने ललकार दिया, जाओ जन त्यू बिन भट भूमि भाई, ताओ पन कर होते उन हसाए। जानता एक भी वीर नहीं है धरती पर, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। लक्ष्मण जी सुने ललकार, बाबा कहते हैं माखई लखन कुटिल भाई है। लक्ष्मण जी के होठ फड़फड़ाने लगे, भावें टेढ़ी हो गई, मानो नेत्र से अंगार बरसने लगा। खड़े भय राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं, आप बैठे हैं। कहे जनक जसी अनुचित बानी, कहे जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभावन कछु अभिमान, कहो सुभावन कछु अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंद कहियो ब्रह्मांड उठाओ, कंद कहियो ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमिदारो खोले, काचे घट जिमिदारो खोले, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानिय सयायस हो, नाथ जानिय सयायस हो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कमल नाल जिम चाप चहाओ, कमल नाल जिम चाप चहाओ, रोजन सत प्रमाण लय धाओ, 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 तोरौ छत्र कदंड जिमि तो प्रताप लय धाओ, जौन करो प्रभु पद लक्ष्मण जी गर्जे कहे, भैया आपके रहते जनक जी ने कहा धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, आप बैठे हैं, आप क्या करिए? बच्चे जिस प्रकार हाथ में गेंद उठा लेते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथों में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार
कच्चे मिट्टी के घड़े को हाथ से फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को लाकर रख दूंगा यहाँ पर। बरसात में उगे छत्र को बच्चे अपने पांव से जैसे रौद देते हैं, रौद दूंगा। उठाऊंगा धनुष को, उठाकर सौ जोदन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं। लक्ष्मण जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सको वचन जे बोले, जगमगानी मही देख जोले, जगमगानी मही देख जोले, जगमगानी मही देख जोले। लक्ष्मण जी इतना गर्जे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं की आसन डोलने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, जनक ने कहा, कोई उठा नहीं पाया, मैं उठाऊंगा, सौ जोजन तक दौड़कर दिखा दूंगा। बच्चे जिस प्रकार गेंद उछालते हैं, धनुष क्या है, ब्रह्मांड को उठा लूंगा, फोड़ दूंगा। यहां कहने का था, कांचे घट जिमीदारों फोड़ी। कच्चे घड़े को फोड़ने के बाद फिर उसको ठीक भी किया जा सकता है, पक्के घड़े को नहीं। लक्ष्मण जी बोले, ब्रह्मांड को खंड खंड करके ठीक भी कर सकता हूं। इतना गर्जे लक्ष्मण जी, पूरी धरती कांपने लगी, राजा डर गए। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज घबरा गए, राम अभी छुटका खड़ा भया है, सब कांपने लगा, बड़का बैठा है अभी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सुने, मन ही मन गदगद हो गए, बोले बाह चेला क्या ललकारा है आज। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ाए हैं, राम जी से कहते हैं, भैया इशारा करिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे, हमको तोड़ना है और ये प्लानिंग तो मेरी है ना। विश्वामित्र जी राम जी से बोले, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे। प्रभु ने शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघु प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रभु ने आंख के इशारे से लक्ष्मण जी को बुलाया, अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया, बोले बहुत बढ़िया, बोले भैया आप। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो बोला था, आप इशारा करते भैया तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, नहीं, हम लोग धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। आपके रहते जनक जी ने कह दिया, कोई धरती पर वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया है आपने आज। इधर विश्वामित्र जी समझ गए कि समय आ गया है कि राम को भेजा जाए। देख के राम जी से आदेश देते बोले, उठो राम भंजो भवचापा, उठो राम भंजो भवचापा, मेट हुतात जनक परितापा, मेट हुतात जनक परितापा, मेट हुतात जनक। जैसे गुरुदेव भगवान ने राम जी को आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, राम जी सहज खड़े भए और गुरु जी को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। जैसे राम जी चले धनुष की ओर, वहां मिथिला के जितने नर नारी थे, भगवान को धनुष की ओर बढ़ते देख सब अपने अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे। हे पितृ देवता, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म का फल ले लीजिए, सब ले लीजिए, सारा पुण्य ले लीजिए, बदले में एक ही बात करिए,
बच्चे जिस प्रकार कमल की डंठल को तोड़ देते हैं, आज आप लोग राम जी से इस धनुष को तोड़वा दीजिए। इसके अलावा हम जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। सारे लोग अपना पुण्य समर्पित करने लगे। राम जी को धनुष की ओर जाते देख सीता मैया की मां सुनैना जी डर गई। अपनी एक सखी को बुलाकर बोली, सखी इस खेल को यहां देखने वाले हैं सारे लोग, क्या यहां कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता कि बच्चों का कार्य नहीं है? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया उसको ये बालक तोड़ेगा? सुनैना मैया की सखी ने कहा, महारानी जीवन में तेजवंत को छोटा समझने का अपराध मत करिएगा। सूर्य का छोटा सा गोला निकलता है तो पूरे धरती का अंधकार समाप्त हो जाता है। छोटा सा गोला, कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो, एक छोटा सा मंत्र उनको अपने बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक अंकुश बस में करके रखता है। मटके से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि को, वो अगस्त ऋषि पूरा समुद्र पी करके बैठ गए। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी बात मानिए, आप जिसको छोटा समझ रही हैं ना, आज इस भरी सभा में वही बड़ा कार्य करके सबको दिखाने वाला है। इसलिए आप विश्वास में रहिए, केवल देखते रहिए। इधर सीता मैया मन ही मन पार्वती जी से, शंकर जी से प्रार्थना करती है। सीता मैया कहती है पार्वती मैया से, माँ ये धनुष आपके पति भगवान शिव का है, धनुष को वही तोड़ेगा जिससे बाबा तुड़वाना चाहेंगे, क्योंकि उनका धनुष है। आप बाबा से कहिए ना, भगवान शंकर से, कि मेरे प्रभु के हाथों धनुष को तुड़वा दे। मनुष्य और किसी की बात माने चाहे न माने, अर्धांगिनी की बात जरूर मानता है। आप कहेंगी ना बाबा से तो प्रभु के ही हाथों से तुड़वा देंगे। पार्वती जी से, शंकर जी से प्रार्थना करने के बाद माँ गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे गणपति जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की है, आप कितने भारी हैं, लेकिन जब मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के होते हैं, आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए जिससे मेरे प्रभु इसको सरलता से तोड़ सके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते माँ अंत में उस धनुष से प्रार्थना करती है, हे शिव जी के पिनाक, अब तो मुझे आप ही का भरोसा बचा है, एक काम करिए ना, जैसे मेरे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, यहां जितने मूर्ख राजा हैं, अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पर रख दीजिएगा, अब मेरे प्रभु को देखते आप पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां प्रार्थना करती है, मन ही मन जप करती है, जे ही के जे ही पर सत सने हो, जे ही के जे ही पर सत सने हो, सोते ही मिलाई न कछु संदेह हो, सोते ही मिलाई न कछु संदेह हो। माँ प्रेम मंत्र का जप करती हैं, प्रेम के अश्रु निकल रहे हैं, लेकिन आंख के, देखिए आंसू पहले यहां से निकलते हैं, नेत्र के कोने से। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, माँ के नेत्र से लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कै सोना। माँ के नेत्र से आंसू तो निकले लेकिन यहां से आगे नहीं बढ़ पाए, आंख के कोने में ही आंसू आके रुक गए। मां बाहर नहीं निकाल रही है, लोग क्या कहेंगे, कैसे, जैसे कंजूस आदमी अपना सोना नहीं निकालता है, अपन रुपया खर्चा नहीं करना चाहता है,
उसी प्रकार माँ के नेत्र से अश्रु नहीं निकल रहे हैं। भगवान ने माँ की व्याकुलता देखी और उसके बाद राम जी धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी बैठे हैं गुरुदेव भगवान के पास। लखन लख्यु लघु वंश मनी ताके हर कुलंड। लक्ष्मण जी देखे भैया धनुष को उठाने वाले हैं, खड़े भय खड़े होकर लक्ष्मण जी दाहिने पांव से लगे धरती को दबाने। धरती दबाकर कहने लगे हे शेष नारायण सावधान, हे दिग्पाल सावधान, वराह सावधान, धरती को पकड़ के बैठ जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ जाए। धरती पकड़ लो सारे लोग, सबको सावधान किए। अब तक सारे लोग राम जी को देख रहे थे, अब सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। आपस में लोग बात करने लगे, चल क्या रहा है, धनुष के पास बड़का गया है, छुटका क्यों पांव से धरती दबा रहा है। राम जी पहुंचे धनुष के पास, धनुष के पास जाकर प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है। धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। गुरही प्रणाम मनही मन कीन्हा। धनुष के पास पहुंचकर भगवान ने गुरु जी को प्रणाम किया। कौन गुरुदेव? अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। और प्रणाम करके भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना हाथ रखा है, मध्य भाग में। जैसे भगवान ने धनुष को लिया है, बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही मंडल सम भगवान ने धनुष लिया, बिजली की चकाचौंध चमकी, उतनी देर में ही भगवान ने झुकाया धनुष को, खंड खंड कर दिया। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े पथ से भटक कर भागने लगे। नीचे दिग्पाल धूरी पर कलमला उठे। धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया, पूछने लगे कैसी ध्वनि आई है। गोस्वामी जी ने कहा राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई है। चारों तरफ लोग दौड़कर पूछने लगे।